ये पुल जो है देखिए तीन तरह से अलग अलग तरह से बना हुआ है बिल्कुल, और तीन ब्रिज है जो कि एक दूसरे को जोड़ते हैं। ये है फाइव पॉइंट, एक रास्ता जाता है सियालदा के लिए, एक जाता है हावड़ा के लिए, और ये पूरा बाजार देखो आप कोलकाता का जगमग हो रखा है। ये मंदिर का गुंबद आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है भाई। विश्वजीत भाई आए डायरेक्ट हमसे मिले और टोकन ऑफ लव लेकर आए भाई साहब साथ में, ये देखो। और ये फोटो पता है कब की है, जब ये जयपुर आए थे। हेलो सिटी ऑफ जॉय, तो हम लोग हैं अभी कोलकाता और ये हमारा डे वन है। और अगर हम कोलकाता आए हैं यहाँ नहीं मिले भाइयों से तो मार थोड़ी गांड थोड़ी कुटानी हमें। तो हमारे साथ हैं विश्वजीत दा और जॉयदीप भाई, बाबू भैया। हाँ भैया, कहाँ हो बाबू भैया? यही है। तो विश्वजीत भाई आए डायरेक्ट हमसे मिले और टोकन ऑफ लव लेकर आए भाई साहब साथ में, ये देखो। और ये फोटो पता है कब की है, जब ये जयपुर आए थे। और जब जयपुर आए थे तो निदेश भाई भी मिले थे, वह भी था, प्रवीण भाई भी थे। तो ये टोकन ऑफ लव है विश्वजीत भाई की तरफ से। तो विश्वदा क्या बोलना चाहोगे ऑडियंस को? अरे ऑडियंस को, ये मेरा भाई है जयपुर, जयपुर का जो भाई, हम हुआ गया था उसका इतना खरीदारी किया, इतना मजा को कैरी किया, ये मेरे मेमोरेबल किया। दादा ये ब्रदरहुड है, राइट? ये ब्रदरहुड है। आज भाई ने फोन किया कलकत्ता में आके, दादा मैं आया हूँ इसके लिए, मैं हाजिर हो गया हूँ। चलो बाबा अभी मिलने हैं विश्वदा से और अभी शाम हो चलिए। भैया ये है कोलकाता का फेमस पाली ब्रिज। ये पुल जो है देखिए तीन तरह से अलग अलग तरह से बना हुआ है बिल्कुल, और तीन ब्रिज है जो कि एक दूसरे को जोड़ते हैं। लुक, और ये नीचे गंगा नदी, जय हो गंगा मैया की। सो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू गौरव सुनी व्लॉग्स एंड दिस इज कोलकाता सीरीज। हम लोग हैं अभी कोलकाता में और अभी हम आएगा दक्षिणेश्वर में, और बहुत पुराना ये मंदिर है। और दादा है मेरे साथ में, वो बोले मुझे कि चलो यार कोलकाता आए हो तो ये ज़रूर देखना चाहिए। तो चलो देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो भाई यहाँ ये पूरी वाइब देख सकते हैं, यहाँ बहुत भीड़ है, कोलकाता में वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और सामने आप देखेंगे ये मंदिर का गुंबद आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है भाई, तो आप लोगों को मैं जो भी दिखाऊंगा वो बाहर से ही दिखाऊंगा। और रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है और उन्हीं के हिसाब से ही पूरी वाइब यहाँ पे सेट की गई है। तो चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो दादा ने हमें साफ मना कर दिया कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, अगर लेकर गए तो जब्त हो जाएगा। तो हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, दो दो मोबाइल है भाई, दोनों चल जाएंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और भैया ये देखिए चमचमाता स्टैचू, आप बताएं किन का स्टैचू है? मेरे ख्याल से आधे लोग तो समझ गए होंगे, बंगाल आए हो तो ज़रूर पता होगा ये स्टैचू किसका है। ये है मंदिर का भोग, और विश्वदा के साथ में आए थे, साथ के साथ ये पुण्य भी कमा लिया हमने आकर के कोलकाता में। क्यों विश्वदा? एकदम एकदम दिमाग का भोग है। हाँ तो भाई लोगों मैं हूँ विश्वदा के घर पे, और विश्वदा के छोटे छोटे बड़े बड़े अचीवमेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो विश्वदा ने बहुत टाइम से कमाए हैं और बहुत प्यार से ब्रदरहुड से कमाए हैं। ये अचीवमेंट्स इन्होंने ऐसे लगा रखे हैं कि जो होता ना एक सैनिक उसकी तरह। ये देखो दुनिया भर में घूमे हुए विश्वदा, और जगह जगह से राइडिंग क्लब्स के लव के टोकन्स यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएंगे। ऊपर तक भाई मेरा तो हाथ भी नहीं जा रहा है, देखो ये तरह तरह के, जिसमें हमारा भी है क्लब रोरिंग हॉक्स, इसको भी विशेष स्थान मिला हुआ है।
और ये देखो भाई साहब, हाँ मैंने सारा ही दिखाया, टॉर्किंग व्हील्स, और भी दुनिया भर का प्यार कमाया हमारे बिस्वादा ने, और राइड टू 12 ज्योतिर्लिंग ये बहुत पहले कर चुके हैं। देखो जरा बिस्वादा को लॉन्ग हेयर्स में, ये वाले बिस्वादा अच्छे लग रहे हैं या ये वाले लग रहे हैं, बताना जरूर कमेंट में। तो बिस्वादा, राइडिंग कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज दोगे? एक्चुअली राइडिंग के लिए मैसेज होगा ये, राइड करो, मजा लो, सेफ जर्नी करो, आपके लिए कोई घर में वेट कर रहा है, ऐसे गाड़ी मत भगाओ, कोई दिक्कत आ जाए पूरी वगैरह ना पड़े, चलो आराम से राइड करो, एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो, किसी को दिखाना नहीं है, खुद के लिए राइड करो, खूब एंजॉय करो। बिल्कुल, आपका गाड़ी है, आपका पैसा है, आपका वक्त है, तो प्यार से और आराम से राइड करें। तो लेते हैं आप लोगों से विदा, फिर मिलेंगे आप लोगों से नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। तो गाइस, कोलकाता के मौसम का कुछ नहीं कह सकते, कभी भी चेंज हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले धूप निकलती थी, बारिश हो गई भाई। और खैर, इस बात को कंटिन्यू कर रहे हैं, यह है 5 पॉइंट। एक रास्ता जाता है सियालदा के लिए, एक जाता है हावड़ा के लिए, और ये पूरा बाजार देखो आप, कोलकाता का जगमग हो रखा है, और यहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत रंगीन है भाई। हम आज ही आए और आज ही इतने सारे रंग हमने देखे हैं कोलकाता के। तो गाइस, हम ओल्ड कोलकाता से न्यू कोलकाता की तरफ आ गए हैं। न्यू बोले तो ये है सॉल्ट लेक स्टेडियम की तरफ जाने वाली रोड, और यहाँ पे आकर के लग रहा है भाई, मतलब कि हम कोई दूसरी दुनिया में आ गए हैं। वो जो हमने देखा था वो बिल्कुल पर्टिकुलर अलग था, और ये बिल्कुल अलग है। और सामने हमें दिख रहा है ITC सोनार, JW मैरियट, और भी जितने बड़े ब्रांड है, जितने बड़े नाम है, वो सारे यहाँ पर मौजूद है। और भाई साहब, ये रहा ITC रॉयल बंगाल, जो कि बहुत दूर से हमें दिख गया, और क्या चमचमाती बिल्डिंग है भाई, गजब।